इतिहास में कई ऐसे वीर महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वचन निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। ऐसे ही वीरों में एक नाम शामिल है तेजाजी महाराज का, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए एक सांप को दिया वचन भी निभाया। अपने प्राण न्योछावर करने वाले गौरक्षक तेजाजी महाराज आज जन जन के बीच लोक देवता तेजाजी महाराज के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुरसुरा गांव में लोक देवता वीर तेजाजी के निर्वाण स्थली वचन के लिए गो भक्त वीर तेजाजी ने दे दिया था अपना बलिदान, जिसने सांप को दिया वचन निभाया। लोक देवता के रूप में होती है गौरक्षक की पूजा। यूं तो लोक देवता वीर तेजाजी जाट समाज के हैं आराध्य देव, लेकिन वीर तेजाजी में हर जाति धर्म के लोगों की गहरी आस्था। राजस्थान में नागौर जिले के खरनालिया गांव में तेजाजी का जन्म हुआ था। नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे थे। तेजाजी के पिता ताहड़ देव और माता राम कवरी भगवान शिव के उपासक थे। मान्यता है कि माता राम कवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के वक्त तेजाजी की आभा और चेहरे के तेज को देखते हुए उनका नाम तेजा रखा। तेजाजी के मन वचन में सत्य की भावना छाई हुई थी। समाज सेवा में पर पीड़ा, जीव दया और नारी के रक्षक लिए तेजाजी ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने के लिए डाकू से लोहा लिया। गायों के रक्षा के लिए जाते वक्त आग में जल रहे सर्प को बचाया तो जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण सांप क्रोधित हो गया और तेजाजी को डसने लगा। तेजाजी ने उसे रोककर बताया कि वे गायों को बचाने जा रहे हैं। सांप को वचन दिया कि वापस लौटूंगा तब डस लेना। गोरक्षा युद्ध में तेजाजी घायल हो गए। वचन निभाने के लिए सांप के पास पहुंचे तो पूरे शरीर पर जख्म देखकर सांप ने डसने से मना कर दिया। तेजाजी ने वचन पूरा करने के लिए अपनी जीभ निकाल कर कहा कि यहाँ घाव नहीं है। इस पर सांप ने जीभ पर डसा। वचन निभाते हुए गोरक्षक के लिए दिए बलिदान के बाद तेजाजी को लोक देवता मानकर पूजा जाने लगा। लोगों का मानना है कि वीर तेजाजी ने सर्प दंश के बाद यहीं पर देह त्याग दी थी। जब उनकी पत्नी को पता चला तो वह वहां पहुंची और तेजाजी की देह को अपनी गोद में रखकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने बताया कि यहां से उनकी घोड़ी अपने आप खरनाल चली गई, जहां तेजाजी के वियोग में घोड़ी ने भी प्राण त्याग दिए। लोक देवता वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली के समीप सर्प की बांबी है। बताया जाता है कि इस बांबी में आज भी सर्प रहता है और जो कभी छोटा तो कभी बड़े आकार में श्रद्धालु को साक्षात दर्शन देता है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु को सर्प को पवित्र और दिव्य मानते हैं। उसको वीर तेजाजी का ही रूप मानते हुए पूजा जाता है। सर्प के दर्शन होना शुभ माना जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें यकीन है कि तेजाजी उनकी हर मुश्किल आसान करेंगे। यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आता है वह बार बार आने की इच्छा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच भी धड़क।